हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ वंदना। और फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है एक ट्रिक वाला वीडियो है, और जो डिज़ाइन बन के आएगा बहुत ही खूबसूरत है। एंड का लुक आप देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके बहुत काम का है वीडियो ये। और जैसे कि आपने थंबनेल में देख के जान लिया है कि जो हम डिज़ाइन बनाएंगे हमारा पत्तियों पे बेस्ड डिज़ाइन है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं पत्तियाँ बना रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं सिंपली डॉट्स बना रही हूँ, और फिर उसको कोन की हेल्प से थोड़ा सा स्क्रैच कर देती हूँ, और हमारी बहुत खूबसूरत सी पत्तियाँ बन के रेडी हो जाती हैं। तो अगर आप बिगनर्स हैं और आपको पत्तियों का शेप देना नहीं आता है, तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही कमाल की हो सकती है। तो फ्रेंड्स, जो डिज़ाइन बन के रेडी होगा उसका ऑसम लुक है, आप देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इस तरह से हम छोटी सी भी डॉट्स बना के और छोटी सी पत्तियाँ भी यहाँ पर बना सकते हैं, जैसे कि मैं बना रही हूँ। तो ये पत्तियाँ देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, और जो डिज़ाइन हमारा बन के रेडी होता है बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बन के रेडी होता है। तो फ्रेंड्स, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, और आइए आज कुछ डिफरेंट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैंने एलिमेंट्स यूज़ किए हैं, मैं नहीं कहूँगी कि आप सेम वही एलिमेंट्स यूज़ करें। अगर आप बिगनर से कोई भी एलिमेंट आपको बनाने में प्रॉब्लम आती है, कोई भी डिज़ाइन आपको क्रिएट करने में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप उसकी जगह पर डॉट्स वगैरह सिंपल फ्लावर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पेस्ली एलिमेंट्स बनाया है, जिसको हम कैरी भी बोलते हैं। तो इसको हम इस तरह से बना के और इसके अंदर फिलिंग देते हैं। जब भी हम पेस्ली एलिमेंट बनाएँ और उसके अंदर फिलिंग देते हैं जब हम, तो जो डिज़ाइन है बहुत ही खूबसूरत बन के रेडी होता है। तो यहाँ पर मैं फ्लावर का भी यूज़ कर रही हूँ, और जो फ्लावर है मैंने हाफ फ्लावर बनाए हैं, सर्कल शेप में ही इनकी पेटल्स बनाए हैं, और हल्का सा शेडिंग दूंगी इनमें। तो फ्रेंड्स, जो शेडिंग वाले फ्लावर्स होते हैं बहुत ही देखने में खूबसूरत लगते हैं। और अगर आप बिगनर्स हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप सारे मतलब मेहंदी ना लगाएं, या फिर उसको लगाने की ट्राई ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। फ्रेंड्स, बहुत सारे ट्रिक्स वाले वीडियोस होते हैं जो कि हम देख के उनकी हेल्प लेके हम अपना कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे अपलोड कर रखे हैं, और ये वाला जो डिज़ाइन है और ये वाली जो ट्रिक है हम पत्तियाँ कैसे बनाते हैं, तो ये भी हम इस तरह से बना सकते हैं। और ट्रिक की हेल्प से हम फ्लावर भी क्रिएट कर सकते हैं। कई सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे इस टाइप के कि हम फूल बनाना भी मतलब ईजिली बना सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं एक बेल बना रही हूँ, और इसको लेके उंगलियों तक जाऊँगी, लास्ट वाली उंगली तक लेके जाऊँगी। और इस तरह से बस आपको करना कुछ भी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ग्राउंड बना के और हल्के से स्केच करना है, और जो बीच में हमारी जगह बसती है उसमें हम ये ड्रॉप का यूज़ करेंगे। तो ये डिज़ाइन बनाना बहुत ही सिंपल होती है, एक बार प्लीज़ ट्राई कीजिएगा आप लोग। और फ्रेंड्स, चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हम अपलोड करते रहते हैं डिफरेंट टाइप के वीडियोस। अगर आपने रंगोली मेहंदी पेंटिंग के वीडियोस नहीं देखे हैं मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ चेकआउट कीजिएगा मेरे चैनल को, और मैं यहाँ पर अपलोड करती हूँ डिफरेंट टाइप्स के वीडियोज़। सो फ्रेंड्स, चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो फ्रेंड्स, कुछ ट्रिक्स और टिप्स यूज़ करके आप बहुत अच्छा सा डिज़ाइन बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप एकदम एक्सपर्ट हों तभी आप मेहंदी लगाना सीख पाएँ या फिर मेहंदी लगा पाएँ। और फिर थोड़ा थोड़ा से प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत अपने आप ही बन जाता है। और इस तरह से मैं यहाँ पर बेल कंटिन्यू करूँगी आगे। और अगर आप डिज़ाइन लगाना भूल जाते हैं कि हम आगे कैसे कंटिन्यू करें डिज़ाइन, उसके लिए मैं वीडियो बना चुकी हूँ अपने चैनल पर, और मैं कई सारे वीडियो इस टाइप के अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप नहीं देखें तो प्लीज़ देखिएगा, लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और कुछ वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे आपको एंड स्क्रीन में। तो फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, और मैं यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के वीडियोस अपलोड करती हूँ। तो अगर आप उन सारे वीडियोस में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ वो वीडियोस देखिएगा। और फिर जब हमारा डिज़ाइन रेडी हो जाता है बनके, तो हम देखते हैं कि कहाँ पे हमारा डिज़ाइन मतलब थोड़ा सा स्पेस जो है खाली लग रहा है, हम उसको फिल कर देते हैं। हम डॉट्स बना सकते हैं, या फिर ये जो ड्रॉप होते हैं वो बना सकते हैं, या फिर कोई और छोटा सा एलिमेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। तो ये हमारा लगभग रेडी हो गया है बनके। अब मैं इसमें यूज़ करूँगी डॉट्स को। फ्रेंड, डॉट्स बनाना आपको कैसे है, कैसे यूज़ करना है डॉट्स को, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हम बड़ा डॉट बनाते हैं और फिर छोटे डॉट्स को मतलब छोटा फिर छोटा करके बनाते जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इस टाइप से जब हम डॉट्स बनाते हैं तो हमारा जो डिज़ाइन है वो और भी उभर के आता है, बहुत ही खूबसूरत लगने लगता है हमारा कोई भी डिज़ाइन। सो फ्रेंड्स, इसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं मेरी डिज़ाइन का कि कितना सुंदर आया है। और बैक हैंड पर अगर आप ये लगाएंगे तो रियली बहुत ही अमेजिंग दिखने वाला ये डिज़ाइन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने डॉट्स बना दिए हैं, और आप फाइनल लुक देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत आया है।
और इतना सुंदर सा एक अरेबिक मेहंदी डिज़ाइन बन के रेडी हो गया है। अगर आपको ये फ्लावर नहीं बनाने हैं तो आप ना बनाइए फ्लावर, उनकी जगह पे आप ये पेस्टल एलिमेंट्स ही यूज़ कर सकते हैं, दोबारा यूज़ कर सकते हैं और अपना डिज़ाइन खूबसूरत बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।